नीति पे चलती हैं। वो किसी जात और धर्म विशेष पे कभी नहीं उन्होंने काम किया। बीजेपी की बीएसपी की सरकार हमेशा सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए के ही लिए अभी तक काम करती आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार सबके सबके सम्मिलित होने से बनी थी। इसी तरह हमारे माननीय मिश्रा जी जो कि हमारे पति जी हैं, तो उन्होंने आप करीब 8 महीने से आप सबको जोड़ने का मुहिम छेड़ रखी है। इस नाते पत्नी ना होने के नाते मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों के बीच में आए। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आप लोगों के बीच में आए हैं। पहली बार आए हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आते रहेंगे। हम कहना चाहेंगे खास तौर से महिलाओं के, जो कि यहाँ पे भी दिख रही हैं, 50% आप लोग हैं, तो आप लोग सभी के कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और अपने बच्चों के लिए और अपनी बेटियों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बहन जी की सरकार आने पर उनका आप लोगों ने शासन भी देखा है, अनुशासन भी देखा है कि वहाँ पे माँ बेटी बहनें कितनी महफूज रहती थी, सुरक्षित थी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। चाहे जितनी देर रात में जाके काम करना पड़े, कोई भी घबराता नहीं था, सोचता था बहन जी की सरकार है, कोई भी गलत नजर से नहीं देखेगा। इसी तरह से आप लोगों को पता है कि इस सरकार में आप लोगों ने तीनों सरकारों का शासनकाल देखा है, और जब समाजवादी पार्टी आती है तो वो गुंडा राज कहलाता है। जैसे